मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर एक आरोप सामने आया है। सचिन पायलट राजस्थान में सरकार के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल रहे, ये कहा है अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए सचिन डील्स करते थे। अच्छी अंग्रेजी बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छी नीयत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। गहलोत ने ये आरोप लगाए हैं सचिन पायलट पर। साथ ही कहा है कि सचिन पायलट को पार्टी ने सब कुछ दिया लेकिन वो षड्यंत्र में शामिल हो गए। तो इस वक्त की सबसे अहम खबर राजस्थान से आ रही है जहां अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी बन करके हॉर्स ट्रेडिंग करना। राजनीति में लड़ाई होती है विचारधारा की, नीतियों की, कार्यक्रम की, समझ में आता है। पार्टी में आए जाए कोई व्यक्ति, एंटी डिफेक्शन बिल है, आप दो तीन बहुमत आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप अगर बीजेपी जो आज केंद्र में है उनके साथ में आप हॉबनॉबिंग करो, उनके साथ में पैसे की डील करो, उनके साथ में लेन देन करो, उनके साथ में हॉर्स ट्रेडिंग करो, कितने करोड़ मिलेंगे आपको पहली फेज में, पहली किस्त कितनी मिलेगी आपको, सेकंड कितनी मिलेगी आपको, टेलीफोन नंबर दीजिए, आप नाम दीजिए आदमी का जो डिलीवरी लेगा, आपका डिलीवरी लेगा। ये जो मीडिया हिंदुस्तान में बोल रहा है, मीडिया आपका ऑफिशियल रूप से आप इंग्लिश मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया, मैं रीजनल की बात तो कम करता हूँ, जो राष्ट्रीय मीडिया बोल रहा है उनको चाहिए कि ईमानदारी से सच्चाई का साथ दे, सच्चाई का साथ दे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.